टाइट कर लेना है। तो ये बस लग चुका है, अगर स्पीड कम कर देंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। तो ये है हमारे पास में एक प्रोडक्ट पानी गर्म करने का, और ये है इसकी यूज़र मैनुअल बुक। तो ये इसके अंदर आप पढ़ के उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी कर सकते हैं। दो टाइप के ये आते हैं, नीचे से इंस्टॉल करने का और ये साइड से इंस्टॉल करने का। तो इसे रखते हैं साइड में, और हमारे पास में आया है ये वाला मॉडल। तो ये हो गया खाली, इसके साथ में हमें मिली है यू बैंड की नोज़ल जो कि यहाँ नीचे लग जाएगी। साथ में कुछ एसेसरीज दे रखी है, ये एसेसरीज है दीवार में लगाने के लिए। तो ये ऐसे लगेगा, ये अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। और ये है हमारा प्रोडक्ट, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ से ये दीवार में इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इसमें एक अच्छी बात है कि ये बिना पानी के ऑन नहीं होता है, जब इसमें पानी आएगा तभी ये ऑन होएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये टेम्परेचर डिस्प्ले भी दे रखा है, इसमें अपने को टेम्परेचर भी पता चलेगा। और इसमें सिर्फ 2-पिन सॉकेट दे रखा है, 3-पिन वाला सॉकेट नहीं दे रखा। इसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये पूरा हमने यहाँ पे सामान निकाल लिया है, और मैं आपको बता दूँ कि अगर ये प्रोडक्ट वीडियो देखने के बाद में पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से ले सकते हैं। इसे मैंने पर्सनली लिया है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो इसे मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे, इस नल की जगह पे लगाने वाला हूँ। इस नल को हटाऊंगा और यहाँ पे उसे इंस्टॉल करूंगा, और यहाँ पे इधर दीवार पे एक सॉकेट लगा दूंगा। ये है मेरा यहाँ पे पॉइंट, मैं यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पे बोर्ड लगा दूंगा और यहाँ पे इसे चालू कर दूंगा। हाथ वाथ धोने के लिए और नहाने के लिए यहीं पे काम आएगा। तो इस बाथरूम में हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलो फटाफट मैं जाता हूँ ऊपर छत पे, और टंकी का जो वॉल है वो बंद करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस नल को निकाल के फिर मैं इसे इंस्टॉल करके और इसे चालू करके दिखाता हूँ कैसे गर्म पानी आता है, कितना बढ़िया गर्म पानी आता है। तो मैंने ऊपर का नल बंद कर दिया है, मेन वॉल। तो इसे अब यहां से आराम से इस तरह से घुमा के निकाल देते हैं। तो ये हमने निकाल दिया बड़े आराम से। अब लगानी है हमें यहां पे ये निप्पल। इस निप्पल को लगाने से पहले इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं। टेफ्लॉन टेप अच्छे से लगाना है, इसके बाद हमें इसे यहाँ पे लगा देना है। तो इसे कसने के लिए इस तरह का रिंच पाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कोई भी लगा सकता है। इसके बाद ये वॉशर साथ में आता है, इस वॉशर को इसके अंदर लगा के और यहाँ से ये टैप को हटा देना, ये ढक्कन हटा देना, और यहाँ से इस तरह से इसे कस लेना है और इसे टाइट कर लेना है। तो ये बस लग चुका है। अब इसके बाद में प्लग इन करने के लिए मैं बोर्ड बाद में लगाऊंगा, लेकिन अभी चालू करने के लिए इसे यहाँ पे कहीं प्लग इन कर दूंगा एक्सटेंशन कॉर्ड लेके। उसके बाद ये नोजल हमें यहाँ पे लगा लेना है, नीचे से पकड़ के इसे अंदर की तरफ पुश करना है इस तरह से, और ध्यान रहे कि ये इससे ज़्यादा नहीं जाए, ये जो रिंग लग रही है ना इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाए। और उसके बाद इसे कस देना है। अब ये कस चुका है। अब देखिए ये वाला जो नोजल है, आप इसे यूं भी घुमा सकते हो, इस तरह से भी घुमा सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो, पानी लीक नहीं होगा। और इधर करने से ठंडा पानी आता है और फिर बीच में बंद, और इधर करने से गर्म पानी आता है और फिर बीच में बंद, और जब तक इसमें पानी नहीं आएगा तब तक ये चालू नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरफ से ये जो वायर निकल रही है, इस तरफ से हीटिंग रॉड है और इस तरफ से पानी का है। अगर पानी में कचरा वचरा आता है तो आप यहाँ से ढक्कन खोल के इसे साफ कर सकते हैं। तो ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। चलो मैं फटाफट जाके पानी चालू करके आता हूँ और एक्सटेंशन कॉर्ड ला के इसे चालू करके दिखाता हूँ। तो मैं ऊपर जाके नल चालू करके आ गया, और ये देखिए ये पानी भी आ गया यहाँ पे, और इधर करते हैं तो भी पानी आ गया। जब ये कट की आवाज़ आती है इसका मतलब ये है कि ऑफ हो गया। तो मैं प्लग इन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ। तो देखिए अभी कोई लाइट नहीं आ रही है। अब मैं इधर करता हूँ तो ये देखिए ये पानी आ गया, और मैं इधर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आ गया, और अभी थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा फुल। और ये देखिए पानी गर्म हो रहा है और टेम्परेचर देखिए बढ़ता जाएगा। ये देखिए 38 हो गया, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाएगा। तो जितनी देर तक इसे चालू छोड़ेंगे उतने ज़्यादा पानी गर्म होता जाएगा और ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर पानी की स्पीड हम थोड़ी सी कम कर देंगे तो ये और जल्दी बढ़ेगा। ये देखिए मैंने कम कर दिया, तो अब देखना है ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ये देखिए 55 हो गया, अब देखिए धुआं निकलने लग गया और 62 टेम्परेचर हो गया, पानी के अंदर धुआं निकल रहा है। ये देखिए 65 से ऊपर चला गया, और आपको बताया 75 तक अगर ये हो जाता है या 70 हो जाता है तो इतना गर्म पानी हो जाता है कि आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। ओहो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा गर्म हो गया। और जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये देखिए ये कम हो गया, देखिए थोड़ा सा कम हो गया 70, ये देखिए 75 हो गया, ये देखिए और कम हो गया 64 हो गया। अब तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, अगर स्पीड कम कर देंगे तो टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। ये देखिए फिर से टेम्परेचर जो है बढ़ने लग गया, और देखिए पानी में वापस जो है धुआं निकलने लग गया। तो ये है हमारा इंस्टेंट हीटर जिसमें आपको तुरंत पानी गर्म करके मिलेगा। तो चलिए मैं इसको दोबारा खोलता हूँ और आपको इसके अंदर के कंपोनेंट दिखाता हूँ और इसके पार्ट्स दिखाता हूँ कहाँ कहाँ इसके पार्ट लगे हुए हैं। तो इसे दोबारा खोलने के लिए
मुझे सबसे पहले वापस जा कर के वाल बंद करके आना पड़ेगा टंकी का, फिर मैं इसे खोलूँगा। तो मैं वाल बंद करके आ गया, अब इसे फटाफट खोल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये है, यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, सारा पार्ट जो है यहीं पे है, जो ये वायर आ रही है यहीं पे सारे पार्ट है। और इधर से जब हम खोलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट रॉड है जो कि गर्म होती है, इसे हीटिंग रॉड भी बोल सकते हैं, एलिमेंट रॉड भी बोल सकते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूँ पहले ऊपर वाले नोजल को, ये मैंने हटा दिया। और ये देख लिया आपने एलिमेंट रॉड, और यहाँ पे एलिमेंट रॉड के दो कनेक्शन होते हैं और एक होता है थर्मोस्टेट का कनेक्शन, तो वो इधर से नहीं होता, वो दूसरी तरफ से। तो इधर से पूरा ये सील्ड होता है ताकि पानी उस तरफ ना जाए। तो चलो मैं अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से पहले इसका पेच खोलना पड़ेगा। तो ये लगा हुआ है इसका मैकेनिज्म, तो इसके अंदर लगे हुए हैं ये देखिए, ये पीसीबी बोर्ड है यहाँ पे, ये एक छोटी सी इसके ऊपर रिले लग रही है, नहीं ये रिले नहीं है, ये कोई कैपेसिटर है। और ये देखिए ये नीली और ये ब्राउन कलर की वायर है इस पावर कॉर्ड की, और हमारे हीटिंग एलिमेंट की वायर जो है एक ये रही एक यहाँ रही। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है। बाकी आपने डिस्प्ले देखा, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आपको टेम्परेचर के बारे में पता चल जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये हीटिंग टैब, इंस्टेंट हीटिंग टैब कितना यूजफुल है, और मुझे तो यूजफुल लगा कि फटाफट जो है पानी आपको गर्म करके इंस्टेंट दे देता है। और ये उस जगह पे भी काफी यूजफुल है, किचन वगैरह में जो हमारे तेल के बर्तन घी के बर्तन होते हैं उसे धोने के लिए काफी यूजफुल है, तो उस हिसाब से ये काफी यूजफुल है। बाकी तो अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल है तो ही आप इसे अमेजोन से खरीदिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। तो मुझे काफी यूजफुल लगा, काफी सारे दोस्तों की डिमांड थी कि कुछ और ऐसी चीजें बताइए जिसमें हम पानी जल्दी गर्म कर सके, तो ये एक बढ़िया चीज है। और अमेजोन पे आपको इसकी कीमत 2000 रुपए तक देखने को मिलेगी, तो कभी कभी अप डाउन भी होती है इसकी कीमत। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टिप्स के बारे में कि मैं इसके बारे में आपको क्या टिप्स दूं। देखिए अगर आप किचन के काम में लेना चाहते हैं, अगर आप एक ही व्यक्ति है या एक या दो व्यक्ति है तो ही आप इसे खरीदिए, तो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पानी बहुत धीरे आता है। अगर आप धीरे पानी खोलेंगे तभी पानी जो है जल्दी गर्म निकलेगा, अगर पानी आप तेजी से खोलेंगे तो पानी जो है नॉर्मल गर्म निकलेगा और बाल्टी एक आदमी की जो है भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इसके अंदर, क्योंकि पानी धीरे खोलेंगे तो ही गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी निकलेगा, अगर पानी तेजी से खोलेंगे कम गर्म पानी निकलेगा लेकिन नहाने जितना पानी निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।